मित्रों, हम सभी लोग को चुंबक से खेलने में मजा आता है। आज हम कुछ चुंबकों से, कुछ सिक्कों से और एक स्ट्रॉ से एक बहुत ही सरल कॉइन स्पिनर, घूमने वाला सिक्का बनाएंगे। यहां पर ये देखिए सिक्का किस तरह से फरफर करके घूम रहा है। देखिए, सिक्के दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, इन सिक्कों को हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। कुछ सिक्के ऐसे भी होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और इनको हम मैग्नेटिक कॉइन्स कहते हैं। मैं चंद चुंबक लेता हूं और उनसे एक सिक्के को चिपकाता हूं, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और अंत में एक पांचवें सिक्के को। ये पांचवा सिक्का नीचे बिल्कुल लटका है, फ्रीली लटका है। ये घुमाने पर बहुत तेज घूमेगा और बहुत देरी तक घूमता रहेगा। फिर मैं एक स्ट्रॉ की मदद से जो पांचवा सिक्का है उसकी किनार पे फूंकता हूं और ये देखिए सिक्का कितनी तेजी से, बहुत तेज गति से घूम रहा है क्योंकि इसमें बहुत कम घर्षण है और काफी देर तक घूमता रहता है। अब पांचों सिक्कों में से जो अंतिम सिक्का है, पांचवा सिक्का है, उसको मैं निकाल देता हूं। अब चार ही सिक्के बचते हैं। चौथे सिक्के पे मैं फूंकता हूं तो वो भी घूमता है पर उतनी देर तक नहीं घूमता, वो थोड़ा जल्दी रुक जाता है क्योंकि अब चुंबकत्व की पकड़ थोड़ी बढ़ रही है। अब मैं चौथा सिक्का भी निकाल देता हूं। अब बचे केवल तीन सिक्के। अब तीसरे सिक्के पे जब मैं फूंकता हूं तो ये भी घूमता है पर बहुत जल्दी रुक जाता है क्योंकि हम चुंबक के पास आ रहे हैं और चुंबक की पकड़, आकर्षण तेज होता जा रहा है। तीसरे सिक्को भी निकाल दिया, अब दो ही बचे। अब दूसरा सिक्का पे अगर मैं फूंकूं तो उसको घुमाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चुंबकत्व की पकड़ अब बहुत तेज हो गई है, ये नहीं घूम पाता क्योंकि यहां पर चुंबकत्व का पकड़ की जकड़ बहुत अधिक है। देखिए कितना मजेदार प्रयोग है, एक स्ट्रॉ से, चंद सिक्कों से और चुंबकों से आप एक बहुत ही सरल स्पिनर बना सकते हैं।